हेलो एवरीवन आमे लास्ट क्लास रे कॉलिजन थ्योरी बाबत रे पढ़िथिले एवं तार गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देइथिले आजि आमे एक्टिवेशन एनर्जी रो कांसेप्ट विषय रे जानिबा एवं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कोन जानिबा एवं गोटे रिएक्शन रेट उपरे टेंपरेचर रो कोन प्रभाव अछि ताको आमे डिस्कशन करिबा सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ द एक्टिवेशन एनर्जी सेतिपाय आमे गोटे पहाड़ एग्जांपल नवा धरा जाओ आमर एमती गोटे पहाड़ अछि एमती गोटे पहाड़ अछि ठीक अछि तो गोटे मनीष जदि एठी ठिया हेछि एपट को जिबा को चाहूछि ताले निश्चित भाबरे ताकु एठी की उठिया को पड़िबो एठी की न जिबा पर्यंत से एपट को आसी परिबो नाही पहाड़टा को बिलो करी कि से जाई परिबो नाही तो जेमिति एटा गोटे कथा आमे कहिले ठीक सही भलिया प्रत्येक देखिबो आमे तुमे ऑर्गेनिक पढ़ुथिबो बा कोनोसी रिएक्शन पढ़ुथिबो सेतिरे गोटे टेम्परेचर दिहाइथिबो जे 150 डिग्री सेंटीग्रेड कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड तार अर्थ ता तळु को जदि तुमे तापमात्रा दउछ टेम्परेचर दउछ रिएक्शन इज नॉट फिजिबल रिएक्शन हबो नाही रिएक्शन होबा कोले ताकु सेति के ही तापमात्रा बा ताठारु किछि रेंज रो तापमात्रा भितरे दबा को पड़ियो ताठारु कम देले होबो नाही तले से तापमात्रा नै कि कोन हुए ना एक्टिव हुए एक्टिव होबा पई जति के एनर्जी दरकार हे सेइटा होची तारो एक्टिवेशन एनर्जी तो सेइ भले आमे कोन करिवा ना एबे एकु गोटे आमे ग्राफ कर दबा ठीक अछि एको आमे गोटे ग्राफ करि दबा कर देले कोन हबो एटा धरा जाओ आमर हला एक्स एक्सिस एटा वाई एक्सिस एठि आमे नेले एनर्जी बा काइनेटिक एनर्जी एठि नेले रिएक्शन प्रोग्रेस एठी नेले रिएक्शन प्रोग्रेस ठीक अछि बाबा एक्चुअली कोन होची देखो जेम दिगे हमें कहउथले से एठी की 9 पंचा पर्यंत एठी की जाई परिवनी धरा जाउ एटा होची ए टू एतिक बाट एटा एनर्जी एक्सिस ए टू एतिक एटा हला एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ई आर टा कोन ई आर होची एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स बुझेला ए टू एति की हला ए टू धर अछि ए टू एति की हला ईपी ईपी टा हमरो कोन ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स अच्छा ताले रिएक्टेंट ए जो ए टू पूरा एति की बाटो एटा को हमें कहउछंती ईटीएच ईटीएच टा कोन ना ईटीएच होउची थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरा जीरो रु पूरा ए जो टल ता रहिला पूरा सेटा होउची थ्रेशोल्ड एनर्जी ए थ्रेशोल्ड एनर्जी पाखर न पहुंचिबा पर्यंत रिएक्टेंट प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हेई परिबो नाही किंतु ऑलरेडी रिएक्टेंट रो एनर्जी ताकु तो एठु जीवा को पडुनी ऑलरेडी तार रिएक्टेंट रो एनर्जी एतिक अछि तले ताकु रेस्ट केते बाट तले नेट रे केते बाट जीवा को पडुची ना एठु एतिक बाट जीवा को पडुची तले रिएक्टेंट एक्स्ट्रा एतिक एनर्जी नेला बेळु को थ्रेशोल्ड एनर्जी पाखरे पहुंची जाउची काहेकि ना आमे एठु एतिक बाट कहिछंती थ्रेशोल्ड एनर्जी तेणु जेहेतु रिएक्टेंट रो एनर्जी ऑलरेडी एतिक थिला तले एठु माने एठु एतिक बाट एक्स्ट्रा एनर्जी पाइले सी तार एटी पहुंची जीवो तापर प्रोडक्ट को जीवा कथा से चिंता करी पारे तो ताले बाबा एई जो एक्स्ट्रा एनर्जी टा सी नेई की प्रोडक्ट रे होबा कथा चिंता कला सेइटा होची ई ए आमो पई सेइटा होची एक्टिवेशन एनर्जी सेटा होची एक्टिवेशन एनर्जी तो
ताले आमे जानी पाइले नि जे पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी रु एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट फेडी देले सबट्रैक्ट कर देले जहा रही जाए सेइटा होची एक्टिवेशन एनर्जी आमे गोटे फार्मूला पाइ गेले नि कोन ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एटा गोटे फार्मूला बापन बुझियौ जी तो ताले एई जो कथाटा आमे पाइले कौन आम पाऊँ ताले रिएक्टेंट तार आवरेज काइनेटिक एनर्जी जहाँ थिला सेठु जेती के एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नेले सीए थ्रेशोल्ड एनर्जी पाखरे पहुँची पारे एवं प्रोडक्ट दे पारे दैट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स ठीक अछि ताले आम कौन लिखिबा आम या लिखिबा एक्टिवेशन एनर्जी कौन ना The additional energy, gained by the reactants to attain, or to achieve threshold energy is called activation energy और ताको आमे कहउचंती ईए ताले बाबा आमे एटाकु एबे जानिले गोटे डेफिनेशन हिसाब रे बुझियला ना कोन कथाटा ताले रिएक्टेंट माने जति के एडिशनल एनर्जी नेले थ्रेशोल्ड एनर्जी पाखरे पहुंची परुचंती एवं तापर प्रोडक्ट दबार गोटे पॉसिबिलिटी आसुची प्रोबेबिलिटी आसुची ताकु आमे कहउचंती कोन रे एक्टिवेशन एनर्जी एटा को आउ गोटे प्रकार रे चिंता करा जाई पारे मॉलिक्यूल माने तू जे तळे दी जण जे तळे साइकिल रे जाउथले स्लो स्लो जेतळ साइकिल तू चलाउछु सेते बेले तोर एक्सीडेंट रो प्रोबेबिलिटी कम धक्का कोलिजन होवारो प्रोबेबिलिटी कम एको आमे कोलिजन थ्योरी से तो लिंक करैथिले पूर्व क्लास है कोलिजन थ्योरी रे एक्टिवेशन एनर्जी कांसेप्ट आस्तला जेते बेले डेरी हेई थाय हमर आमे स्थल कोन करनी क्लास ता धर डेरी हेगलाने आमे जोर रे चलांती जोर चलेले सेठी प्रॉब्लम आसे सेठी एक्सीडेंट होवारो कोलिजन होवारो धक्का होवारो प्रोबेबिलिटी बढी जाय तो सही बोली मॉलिक्यूल माने जे तोले धीरे घुरु थांती ना स्लो वेलोसिटी रे आसी की कोलिजन हेले आमे कहितले जे कोनोसी कोलिजन रु प्रोडक्ट तयारी हेई परिवो नाही केवल सही कोलिजन गुडा को प्रोडक्ट दवारो प्रोबेबिलिटी अछि जहारो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी अछि ताले आमे जो टेंपरेचर देले तार कोन होउची काइनेटिक एनर्जी बढी जाउची वेलोसिटी बढ़ी जाउची गोटे सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी थिवा मॉलिक्यूल बाजिले ही तार बॉन्ड भांगिबो एवं प्रोडक्ट तयारी हो दैट्स व्हाट इज लिंक्ड टू द एक्टिवेशन एनर्जी तो ताहले एठी आमे जानी गले एक्टिवेशन एनर्जी टा कोन एक्टिवेशन एनर्जी टा जानी गला पर आमे एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिति जानिबा तो देख छुआ जे आमे गोटे नबा एंडोथर्मिक रिएक्शन आ गोटे नबा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हला अच्छा एमिति आमे गोटे ग्राफ नबा एटा एनर्जी एटा रिएक्शन प्रोग्रेस माने टाइम अनुसार रिएक्शन टा कुआडे गला रिएक्शन प्रोग्रेस एटा होची एनर्जी धीरे धीरे एमिति बढी जाइछ अच्छा वर्तमान देखो मु कहिवा को भूली गली जे जेतळ गोटे रिएक्टेंट एटा आमे एटा ताला कोन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एटा कोन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एटा पूरा ना कौन थ्रेशोल्ड एनर्जी
जेती की एक्स्ट्रा एनर्जी से नबो सेटा हबो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हां मु तुमको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कथाटा कहली रिएक्टेंट जेते बेले एठी की पहुंची गला तार एनर्जी बढी गला से ताले गोटे एलिवेटेड एनर्जी स्टेट रे रहिला आमे जानी चंती जेते बेले कोनोसी स्पेसिस एनर्जी गेन करे सेटा अनस्टेबल हे जाय सेई जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेंट रो जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ताको आमे कहउचंती एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आमे कोन कहउचंती एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मुजे जेमिति सेदिन कहितली ट्रांजिशन स्टेट या पूर्व क्लास रे जेमिति कहितली ट्रांजिशन स्टेट सेइटा को आमे कहि परियो गोटे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अच्छा त माने से एक्टिव हे सारि छि एनर्जी नै कि एक्टिव हे सारि छि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अच्छा वर्तमान कथा हो छि जे तुमे लक्ष्य करो जे ई जो रिएक्टेंट एनर्जी जेति कि नेला सेति कि छाडी नाही ता थारु कम छाडी छि बोली प्रोडक्ट रो एनर्जी ता रिएक्टेंट रो एनर्जी थारु बडो अछि बुझियो जना नाही ताले रिएक्टेंट रो एनर्जी और प्रोडक्ट रो एनर्जी भीतर डिफरेंस केते ना एटा होची डिफरेंस बिटवीन दिस वन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ सॉरी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ताले एठी प्रोडक्ट रो एनर्जी बडो रिएक्टेंट रो एनर्जी सानो आमे जानि चंती एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन डेल एच रिएक्शन माने गोटे रिएक्शन हेले केते एनर्जी गेन हुए बा लॉस हुए हेटा आमे केमिति कैलकुलेट करथले थर्मोडायनामिक्स रे पढी चंती एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कोन आमे जानि चंती एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन आमे जानि चंती एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एठी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बडो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सानो बडो रु सानो पडु फेडुचु ताले तो गोटे पॉजिटिव क्वांटिटी पाइबु ताले डेल एच टा जेतेबेले पॉजिटिव हुए आमे जानि चंती हीट गेन्ड गोटे सिस्टम हीट गेन कले आमे जानि चंती डेल एच पॉजिटिव आसे आ जोंटी हीट टा गेन कला रिएक्टेंट नेट रे हीट गेन कला एवं कम छाडिला से प्रकार रो रिएक्शन को आमे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोली कहू डेल एच पॉजिटिव आसे ठीक तार ओपोजिट टा को तू सीधा करी परिबू एठी अछि एनर्जी एठी आउ किछि बुझिवार नाही एठी अछि रिएक्शन प्रोग्रेस एठी किंतु कोन हि जीवो एठी प्रोडक्ट रो एनर्जी टा सानो हि जीवो रिएक्टेंट रो एनर्जी थारु एटा हे गला ईआर एटा हे गला ईपी हला रे एटा हे गला एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हे एटा हे गला डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एटा यार ताले कोन थिला एटा थिला डेल एच एटा भी सेंती यार कोन हे गला डेल एच एठी सेंटी डेल एच कोण आसीबो ना ईपी माइनस ईआर एठी निश्चित देखे प्रोडक्ट रो एनर्जी सानो रिएक्टेंट रो एनर्जी बडो बडो रु सानो सॉरी सानो रु बडो जेतले फेडुचु निश्चित डेल एच ता नेगेटिव आसीबो डेल एच नेगेटिव माने एनर्जी लॉस्ट ताले रिएक्शन रे एनर्जी बाहारुची एनर्जी लॉस्ट ताले एनर्जी जो रिएक्शन रे एनर्जी बाहर एग्जिट हुए ताको कोन कहबा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहबा ओके ताले ये थिला बाबा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाबद रे कथा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन जाने गला परे चालो आमे से जो एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन एनर्जी कांसेप्ट ताको गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन रे अप्लाई करबा बाबा ताले कौन ही गला देखो जे आमे धरा जाओ ए भलिया गोटे ग्राफ नेले आमे एबे कोटी अप्लाई करिया रे रिवर्सिबल रिएक्शन रे अप्लाई करिया वर्तमान कौन हला अच्छा एठी हला कौन बाबा एनर्जी एठी कौन हला रिएक्शन प्रोग्रेस अच्छा वर्तमान ताले कौन हे जीवो धरा जाऊ आमर रिएक्शन गोटे ए भले आछि गोटे रिवर्सिबल माने रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट दबो
product reactant bhi dau thibo both forward and backward reaction chali thibo tale ei ta hala average kinetic energy of reactant this is average kinetic energy of konre product forward reaction pai amar dhore emiti achi a plus b reversible c plus d eta hala amar reversible reaction tale eta ke ke achanti eti a plus b eti ke ke achanti c plus d बुझियो ना नाही अच्छा आमे जदी कहिबा फॉरवर्ड रिएक्शन पई रिएक्टेंट को केते एक्स्ट्रा एनर्जी नोबा को पडुची ना एती की एक्स्ट्रा एनर्जी नोबा को पडुची एटा हाला कोन रे एटा होची धरा जाऊ ई फॉरवर्ड एटा हाला ई फॉरवर्ड रिएक्शन पई एक्टिवेशन एनर्जी होची एटा किंतु जदी प्रोडक्ट आ रिएक्टेंट दबो जते बेले सी प्लस डी मिसी की ए प्लस बी देबे ताले प्रोडक्ट को पुनी केते एक्स्ट्रा एनर्जी नोबा को पडुची प्रोडक्ट को एतिक एक्स्ट्रा एनर्जी नोबा को पडुची ताले हम एटा को एटिक टाणी दबो ताले प्रोडक्ट को केतिक एक्स्ट्रा एनर्जी नोबा को पडुची रे एटा हला ई बैकवर्ड ताले हमें एठी कोन कोन पाई गलेनी एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ए प्लस बी हले रिएक्टेंट सी प्लस डी हले प्रोडक्ट ई एफ टा हम पाई कोन ई एफ टा हम पाई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ई बी टा कोन ना एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बुझियाला एति हम जानि गेलेनी अच्छा वर्तमान कथा आउछ हम जानि लेनी जे एबे हमें देखिबा देखो एठी भी जणा पड़ी गेलानी एटा गुटे नॉर्मल फॉरवर्ड डायरेक्शन रे ए रिवर्सिबल रिएक्शन टा तर कोन अछि छुआ ना एंडोथर्मिक अछि प्रोडक्ट टा रिएक्टेंट थारो ऊपर अछि माने आमे जानि चंती या पूर्व देखलेनी सेटा होछ कोन ना गुटे एंडोथर्मिक रिएक्शन तो ताले एठी तू क्लियरली बुझी पारुछु केते बेले एंडोथर्मिक रिएक्शन होबो बा गुटे रिवर्सिबल रिएक्शन रे EF आउ EB माने एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भितरे की संपर्क अछि ना एठी देखे तोर किए बडो हमरो कोनटा बडो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बडो ना एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बडो डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टा बडो ताला हमें जानी गले जदि गुटे रिवर्सिबल रिएक्शन हेतिबो तारो फॉरवर्ड डायरेक्शन टा जदि तर एंडोथर्मिक हेतिबो ताले निश्चित भाबरे इफ ई एफ इज ग्रेटर देन ई बी इंप्लाइज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन आरो रिलेशन ता तुम्ही जानी परचा जदी ई एफ लेस देन ई बी ही थांता जदी एटा तळु को पळे आस्थांता ताले डेफिनेटली प्रोडक्ट रो एक्टिवेशन एनर्जी बेसी ही थांता ताले फॉरवर्ड रिएक्शन ता तर हेई थांता एक्सोथर्मिक बुझियो छि ना नाही ताले ई एफ ई बी रो रिलेशनशिप को नै कि आमे प्रेडिक्ट करि परिवा वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ओके सो ये गोटे थिला गोटे बडो एप्लीकेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिवर्सिबल रिएक्शन एबे जीबा अमर सेकंड पार्ट जे इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रिएक्शन रेट एटी अमर गोटे कथा आसीबो टेंपरेचर कोफिशिएंट धरा जाउ आमर गोटे रिएक्शन अछि ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट कोन अछि छुआ ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स छुआ लक्ष्य कर जे ए जो रिएक्टेंट अछि तारो रेट ऑफ रिएक्शन को आमे दीटा टेंपरेचर रे मेजर करिबा धरा जाउ एट टेंपरेचर T1 रेट ऑफ रिएक्शन टा धरा जाउ हैला R1 एट टेम्परेचर T2 धरा जाऊ रेट टा हला R2 छुआ तो लक्ष्य कर जे टेम्परेचर चेंज हेले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े तुम्हें को मो अवश्य पढ़े ही नहीं तुम्हें किंतु टा देखी दबो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया से टेम्परेचर से कंसंट्रेशन कौन कौन
फैक्टर गुड़ा को रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती अवश्य टेम्परेचर बढ़ी गले काइनेटिक एनर्जी बढ़िबो काइनेटिक एनर्जी बढ़िले से जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी पाखरे पहुंच जिवो बा थ्रेशोल्ड एनर्जी पाखरे पहुंच जिवो ताहाले सिए थ्रेशोल्ड एनर्जी टा बाबा थ्रेशोल्ड एनर्जी टा कांस्टेंट अछि तू जते टेम्परेचर दउ तू सेते जल्दी थ्रेशोल्ड एनर्जी पाखरे पहुंच जिवो एवं प्रोडक्ट दवा को सक्षम होबो एवं तार अर्थ होची आमे जानु छन सिंपली या टेम्परेचर बढेले रिएक्शन रेट बढे बुझियो छि ना कोन कथाटा अच्छा ताको आमे ग्राफ नै गे आरो बुझिबा क्लियरली कोन पय रेट ऑफ रिएक्शन बढी होउची गैसियस स्टेट अप्लाई करिके बुझि पारिबा तो देखो दीटा अलग अलग रेट अलग अलग टेम्परेचर अछि धरा जाउ T2 टा होची आमे 10 डिग्री सेंटीग्रेड रो डिफरेंस अछि T1 T2 रो जदि T1 टा हला 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवं T2 टा हला सेटा को केल्विन ले कन्वर्ट कर दियो 298 केल्विन बुझियला ना नै अच्छा सेई भलिया T2 टा हला धरा जाउ 35 डिग्री सेंटीग्रेड बुझियला ना नै 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढेले ताल केते हे जो ना 308 केल्विन बुझियला ना कोन कथा तो ताले जदी आमे हे जदी आमे 10 डिग्री सेंटीग्रेड रो वृद्धि करू छंती देखा जाऊ छी जे जो रेट ए जो सेकंड रेट टा हे पाखा पाखी फर्स्ट रेट रो दुई गुणो हे जाऊ छी केते डिग्री व्यवधान अछि ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड बेले रेट थिला R1 35 डिग्री सेंटीग्रेड बेले रेट अछि R2 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढे देला बेलु को देखा जाउ छी जे प्रथम रेट टा जति कि थिला तार दुई गुण होउ छी सेकंड रेट टा ताले टेंपरेचर बढेले कोन हेला रेट बढी गला ऑलमोस्ट दुई गुण हे गला एटा को कहंती टेंपरेचर कोफिशिएंट ताले टेंपरेचर कोफिशिएंट टा कोन ना टेंपरेचर कोफिशिएंट होउ छी the ratio of the rate of reaction at a certain temperature to the rate of reaction at elevated temperature by 10 degree centigrade tar artha kon na ame lekhiba r to r at t plus 10 degree centigrade by r at only t degree centigrade tar artha amar eti kon thila r at 35 degree centigrade by rate of reaction at 25 degree centigrade ei jo ratio ta jo dita temperature ro rate of reaction kotha kohuchu se dita rate of reaction jodi 10 degree centigrade byabadhan re thanti सेही दीटा रेट ऑफ रिएक्शन लो रेशियो को आमे कहउचंती टेंपरेचर कोफिशिएंट जोटा की पाखा पाखी 2 रु 3 भितरे आसी जाय प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढे देला बेलो को रेट ऑफ रिएक्शन टा 2 फोल्ड हे जाय बोली कहा जाउची तो तेनु टेंपरेचर कोफिशिएंट बुझी गला पर चालो बुझीबा काहे की एमिति होउची एवं हमर क्लास सरीबो तुमे गैसियस स्टेट रे पढितलो फर्स्ट इयर रे गोटे कथा तुमरो निश्चित मने थिबो आमे एठी नउथले डेल एन बाय एन माने टोटल मॉलिक्यूल रु केते टा मॉलिक्यूल को वेलोसिटी रे घुरुचंती तोर ए होला गोटे ग्राफ थिला धरा जाउ एटा थिला टी डिग्री सेंटीग्रेड एटा थिला टी डिग्री सेंटीग्रेड तोर मने पडुथिबो निश्चित भाबरे जे जत्ते बेले तू टेंपरेचर बढ़ाई दो उथलू ए एटा ए भलिया फ्लैट ही उथला एई हाइट टा कमी उथला किंतु ये सियाड़ी के मूव करू थिला बुझियु जे ना ग्राफ टप टिके आमे डेवलप कर देले भलो हबो बस वर्तमान एटा को मध्य एटिक नै जिबा अच्छा वर्तमान देखो धरा जाउ एटा हे गला टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड एटा हला केतरे टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड आमे जानी थिले टेंपरेचर बढैले तुमे फर्स्ट इयर बहिरे पढि दबो आउ तुमको से बाबत रे मु बुझौ नाही खाली जानी था नेचर ऑफ ग्राफ टा हेया टी डिग्री सेंटीग्रेड एति कि माने जदि आमे टेंपरेचर बढौ छती ताले ग्राफ टा फ्लैट हे जिवो अब राइट आड को मूव करिवो हला अच्छा देखो आमे कहुतले एई जो पोर्शन टा को लक्ष्य करो
एही पर्टिकुलर पर्सन टाकु लक्ष्य कर एटा को मु कहिबी ए एटा को कहिबी बी हैं एटा को कहिबी सी आ एटा को कहिबी डी देखो एटा जेतो मु कोन नउथली रे एठी एठी नउथली वेलोसिटी तुमर सेटा एवरेज वेलोसिटी आस्तला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आस्तला मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आस्तला एटा हमें कहतले जो वेलोसिटी रे सबुठारो बेसी संख्या रो मॉलिक्यूल मूव करंती हैं ताकू हमें कहंती मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एठी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में एठी वेरी हाई वेलोसिटी कथा कहउछु काहे की वेरी हाई वेलोसिटी ना जत्ते अधिक वेलोसिटी होबो तार सेत्ते अधिक काइनेटिक एनर्जी होबो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी न होबा पर्यंत रिएक्शन हेई परिवनी कोलिजन टा इफेक्टिव हेई परिवो नाही तो ताले मु जेते बळे एठी पहुंच गेलेनी वेलोसिटी टा एई बिगर जेते जाउची एई पर्टिकुलर पॉइंट रे वेरी हाई वेलोसिटी अछि सेई सेम कथा को जेते बळे मु एटा को जेते बळे बढेई देबी सेई सेम एटा को जे वेलोसिटी कथा हम कहउची एटा टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड मोर ग्राफ हेची केते टा मॉलिक्यूल टोटल मॉलिक्यूल रु केते टा मॉलिक्यूल एई पर्टिकुलर वेलोसिटी रे घुरुचती तो ताले सेम कथाटा मु जेतळ एठी की देखो एटा मु जेतळ एक्स्ट्रापोलेट कर देबी बढेई देबी एटा बढेई दियो ताले एटा हे जाऊ ई एटा हे जाऊ एफ बर्तन गुटे एक्स्ट्रा एई ग्राफ टा जो जेतळ देखुतले देखो मु जेतळ एई ग्राफ कथा कहूची छुआ एई ग्राफ रो हे हाई एई जो अंडर तो एई जो एरिया एई एरिया रे जति कि मॉलिक्यूल अछि तांकर बहुत हाई वेलोसिटी अछि बोली कहू छु किंतु टी प्लस 10 डिग्री ग्राफ ता देखो एई जो एई ग्राफ ता आसी छि ए ग्राफ रे केतटा मॉलिक्यूल ताल अछि पूरा इटा हब कोटा मो मो मार्कर को देखो पूरा इटा हब कि नाही ताले डेफिनेटली जेतळ मु 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढाई देली सेई पर्टिकुलर वेलोसिटी को एटा ए रेंज रो वेलोसिटी कथा कहू छु सी डी रेंज रो वेलोसिटी कथा हमें कहू छु ए सी डी रेंज रे वेलोसिटी रे घुरुथिबा मॉलिक्यूल मान को संख्या टी डिग्री सेंटीग्रेड रे जति कि थिला टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड रे डेफिनेटली बेसी हे जाई छी ताले ये भी तो रहिला रहिला मु सेकंड ग्राफ रो अंडर रे सही रेंज रो वेलोसिटी कथा जदि कहिबी केते हबो सी ई एफ डी टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड रे हाईएस्ट वेलोसिटी रे घुरुथिबा मॉलिक्यूल मानंकर संख्याटा कोन कर्व रु जणा पडुची ना ए कर्वटा पूरा एटा इस पूराटा हबो कोन रे पूराटा हबो सेटा होची सी ई एफ डी किंतु जेतो टी डिग्री सेंटीग्रेड करथली हे ए एरिया ऑफ द कर्व एठीतला किंतु टी डिग्री सेंटीग्रेड रे हाई वेलोसिटी रे घुरुथिबा मॉलिक्यूल मानक संख्या टाकु आमे कोन एरिया द्वारा रिप्रेजेंट करूचंती से एरिया ठाउची ए ए बी सी डी एटा हेगला बाबा ए बी डी सी ताले डेफिनेटली देखे एरिया एरिया सी ई एफ डी हे सी ई एफ डी ग्रेटर देन एरिया केबे ग्रेटर देन एरिया ए बी डी सी एरिया ए बी डी सी ताले जत्ते अधिक एरिया रहिबो सेते अधिक मॉलिक्यूल मानकर संख्या सेई निर्दिष्ट वेलोसिटी रे हबो ताले गोटे हाई वेलोसिटी रे घुरुथिबा मॉलिक्यूल मानकर संख्या टी डिग्री सेंटीग्रेड रे जत्ते टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड रे ता थारु बेसी तार अर्थ जत्ते बळे आमे टेंपरेचर बढौचू गोटे निर्दिष्ट वेलोसिटी रे घुरुथिबा निर्दिष्ट हाई वेलोसिटी रे घुरुथिबा मॉलिक्यूल मानकर संख्या बढी जाउची सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी थिबा मॉलिक्यूल मानकर संख्या बढी जाउची ताले कोलिजन टा इफेक्टिव कोलिजन टा मध्य बढी जाउची ताले कोन तयारी हो प्रोडक्ट बेसी तयारी हो तो ताले दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रिएक्शन रेट ताले रेट ऑफ रिएक्शन बढी जाउची काहे ना इफेक्टिव कोलिजन भी बढी जाउची काहे कि इफेक्टिव कोलिजन बढी जाउची एरिया आमे देखु छ सेकंड कर्व टा जो जाई छ टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड भितर जो एरिया टा अछि सी ई एफ डी भितर बेसी एरिया कवर करथिबार मॉलिक्यूल मानकर संख्या गोटे निर्दिष्ट हाई वेलोसिटी थारु अधिक थिबा मॉलिक्यूल मानकर संख्या अधिक हला कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन अधिक हला एवं रिएक्शन रेट बढी गला So this is all about the class. I hope you enjoyed. Thank you so much. We'll discuss in the next class.